ये जो कांटे हैं इसको निकालना पड़ेगा, छिलना पड़ेगा इसको। अगर छिलोगे नहीं तो तभी टेस्टी नहीं होता है वो। हेलो, गुड मॉर्निंग। अमरूद देखो कहाँ पर है। अच्छा, ये वाले अमरूद खाओ। तोड़ लो मम्मी, आज बहुत ठंडा है यहाँ। तो पापा जी लगा रहे हैं पेड़। ये है नींबू का पेड़। ये कौन सा? ये माल्टा के, माल्टा का पेड़। ऑरेंज, ये भी माल्टा का है। गुड़ाई कर रहे हैं, सॉरी। ये है अमरूद का पेड़। ये है, ये भी ऑरेंज का है, ये भी ऑरेंज का है। अभी और लगाने हैं काफ़ी सारे। और मैं तोड़ता हूँ करेले, दिखाता हूँ आप लोगों को करेले। खूब सारे लगे हैं यहाँ। इसके लिए मैं लाया हूँ बाल्टी, इसमें रखेंगे हम करेले। तो दिखाता हूँ मैं अलग टाइप के करेले आप लोगों को। यहाँ तो रास्ता भी तो नहीं हो रहा है क्या? दिखाओ। खराब हो गई है या सही है? क्या मस्त पहाड़ है। देखो दोस्तों कैसे करेले तोड़ रहे हैं हम। उसमें ये कौन से करेले होते हैं? पहाड़ी करेले ना है माँ? मीठे करेले, ये सब जगह नहीं होते ना। देखो कितना मस्त लगा हो। ये अरे कैसी जगह में गया हूँ मैं, इधर पूरा ऊपर से कांटे कांटे हैं इसमें हुआ है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में कितने करेले टूटते हैं। मम्मी इसकी सब्जी में ना मतलब बचपन में गंदी क्यों लगती थी फिर उतनी? नहीं, बहुत गंदी लगती थी। अब तो आप अच्छी मतलब पूरा पीस के बनाते हो ना, इसलिए मेरे को अच्छी लगती है। हैं, भून के आजकल बनाते हैं? भून के मम्मी आजकल भून के बनाते हो? लेकिन टेस्टी होती ना आलू डाल के तो। और नहीं, दो दो तीन दिन बना दिया, दो दिन। अरे पहले दिन नहीं खा रहा था मैं ना मम्मी। दीदी भी खाती नहीं, पता नहीं, छोटी दी उसको भेजे तो हैं कड़वे नहीं बनाया। दोस्तों मैं तो तोड़ ले आया सारे करेले, मीठे करेले। मीठे करेले कहते हैं इनको, शायद बाहर ही मिलता है या नहीं मिलता है इसका तो मेरे को पता नहीं है। मुश्किल है मतलब, नहीं मिलता होगा मेरे ख्याल से। देखो कैसे होते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो एकदम बाल्टी भर के ले आया हूँ। इसकी बन जाएगी कम से कम दो दिन की सब्जी, अगर आपके घर में तीन चार लोग हैं तो। देखो इसमें कैसे कांटे होते हैं, ये थोड़े चुभते हैं, ये हल्के हल्के मतलब अच्छा मज़ा सा आता है। कोई कोई चुभ भी जाता है तो तोड़ने में थोड़ा हल्का चुभता भी है, लेकिन मज़ा आता है। टूट जाते हैं आराम से, टूट जाते हैं ये। तो अब इसको धोएंगे हम, फिर करते हैं इसका यूज़ खाने में। पहले तो मैं इसको
मेरे को बहुत गंदी सी, मतलब देख के ही अजीब सा लगता था, लेकिन फिर बनाया तो एकदम मस्त मस्त मज़ा आता है। आलू के साथ मिक्स करके बनाते हैं इसको, काफ़ी टेस्टी होता है। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे बनती है इसकी सब्ज़ी, मज़ा आ जाएगा, रस आ जाएगा मुंह में। तो अब थोड़ा खेत में पानी डालना है तो पानी डालता हूँ मैं, फिर मिलते हैं। तो ये सीन मेरे उत्तराखंड के लोगों के लिए हैं, जो उत्तराखंड के तो हैं लेकिन रह रहे हैं बाहर, दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में। आओ यार कभी पहाड़, क्या सीन है। क्या मस्त पहाड़ दिख रहे हैं देखो। एकदम हरियाली हो रही है, फूल लगे हुए हैं सुंदर सुंदर। आओ कभी टाइम टाइम निकाल के आओ कभी हमारे शहर में, आप भी लाए। दिखा रहा था ना मैं ऐसे वीडियो बना है। रात में अच्छे से रखते हैं पानी के लिए। लो ठीक है, आप ऊपर देखे आऊँ। छिलना बोलना, बनाने में तो तेल ज़्यादा लगता है, छिलना तब पीस के खाते हैं। डाल दो फिर। कमर लग गया यार मेरे, पूरे टोपी में भी लग गए। और हो जाएगा ना, टोपी क्यों निकाल रहे हो हैं? सच्चे जाऊं तो चप्पल तो चेंज करने पड़ेंगे। टोपी निकाल दी यार मेरी मम्मी ने। यार वैसे बाल नहीं बनाए मैंने। देखो यहाँ से अपनी छत से, क्या मस्त नज़ारा है। जाता हूँ बेबी। इसको चाकू से इसके कांटे सब साफ करने हुए, साफ करके कांटे पूरे खुरड़ के निकाले, फिर इसमें लहसुन प्याज भून के काट के बना, चार टुकड़े बनाने हुए, अंदर का बीज पूरा निकालना होगा इसका। अच्छा, अंदर का कांटे डालेंगे तो? कांटे नहीं, स्वाद नहीं होगा फिर, तभी टेस्ट नहीं। कांटे पूरा खरोड़ के काट के चार हिस्से बनाए, बीज का बीज निकाल दिया, तेल डाला, लहसुन प्याज खूब भून के अच्छा बनाया सब्जी की तरह। सूखा अजी ज़्यादा अच्छा होता है, इसकी सब्जी सूखी अच्छी होती है, दस्तार नहीं होती। आलू मिलाई, टमाटर, दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, डरना मत। आ रही नहीं चाहिए तो ये जो मैंने आपको दिखाया अभी, ये है बंदर भगाने के लिए। तो अगर ये रहेगा तो बंदर यहाँ आएंगे ही नहीं, बंदर भाग जाते हैं, बहुत डरते हैं बंदर इसको देख के। हमको पता नहीं था ऐसा, लेकिन एक दिन यहाँ नीचे से मम्मी लाई किसी के घर से, तो फिर जब बंदर आए थे तो मैंने इसको पहना, मम्मी ने पहना इसको, भाई साहब ऐसे भागे ना बंदर, खतरनाक। निर्मल, निर्मल दा को अभी वो मैंने बोला ही नहीं, फिर आ जाना करके ले जाना। आप जा रहे हो नीचे को? हाँ दे के आ जाओ फिर मम्मी, निर्मल दा के लिए वो ले जाओ फिर, एक दाड़िम दाड़िम खाता है वो।
दोस्तों ये है मेरे घर के अनार, सॉरी दाढ़िम, एक ही बात है यार, अनार दाढ़िम एक ही। जमीन आसमान का अंतर कैसे, मतलब दाढ़िम थोड़े छाए खट्टा, अनार नहीं होता खट्टा, लेके निर्मलदा के लिए ले गए, ठीक है।